नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि हम अक्सर आपको विभिन्न तरह के किसानों से मिलाते रहते हैं जो कि परंपरागत खेती के अलावा कुछ नया कर रहे हैं, आज हमारे साथ में एक ऐसे किसान हैं जो कि जैविक खेती कर रहे हैं और जैविक में भी कुछ नया यूनिक तरीके से कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे उनसे कि वो अपनी जो जैविक खेती है किस तरीके से कर रहे हैं, वो रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ क्यों आए हैं और उन्हें इसके क्या परिणाम मिले। तो चलिए बिना दुआ शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आप हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप अपना परिचय थोड़ा बताइए। मैं बम्बोरी से मांगीलाल जणवा, तहसील छोटी सादरी, जिला प्रतापगढ़ से हूँ और करीबन 3 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ। और मैं तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जितना हो सके कम से कम अपने मित्र लोगों और अपने जो मिलने वाले हैं और अपने परिवार के लिए जैविक खेती का उपयोग करें। तो सर, कैसे आप रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ आए, उसके बारे में थोड़ा बताइए जी। सबसे पहले तो मुझे बीमारी थी ब्लड प्रेशर की, काफ़ी बढ़ गया था। डॉक्टर से संपर्क भी किया था मैंने, तो उन्होंने बोला कि बाईपास करनी पड़ेगी। तो फिर क्या, हमारे पास में पैसा तो था नहीं, करीबन ये 2006 की बात है। फिर मैंने क्या किया कि एक हमारे बोहेड़ा में शुक्ला साहब थे, डॉक्टर साहब करके, उनकी फीस थी 10 रुपये। उनके पास में गया तो उन्होंने बताया कि तेरे को कोई बीमारी नहीं है, खा खा करके हाथी जैसा हो रहा है, अपना वजन कम कर ले। उन्होंने वो रिपोर्ट भी फाड़ के फेंक दी मेरी। उसके बाद में मैंने वजन कम करने के लिए गौमूत्र, एलोवेरा और लौकी जूस, करेला, ये 4-5 चीज़ें मैंने यूज में ली। उसके बाद में मैंने बीपी की गोली वगैरह सब बंद कर दी। उसी दिन से मेरा मनस बन गया कि अपन जो ये फसलें खा रहे हैं, अनाज वगैरह कुछ भी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो उनमें रसायन तो आ ही रहा है। तो इसलिए मैंने मनस बना लिया कम से कम हम और हमारे मिलने वाले और हमारे जो भी कस्टमर हैं हमसे माल खरीदते हैं उनको शुद्ध चीज़ मिले और बिना रसायन के मिले, ताकि बीमारियों का घर ही नहीं हो। तो सर, आप जैसे जैविक खेती की शुरुआत आपने कब करी थी? ये मैंने करीबन 3 साल पहले करी थी। हमारे कृषि अधिकारी है दुर्गालाल जी बैरवा, उन्होंने जैविक खेती के लिए मेरा नाम सिलेक्ट किया था। सरकार से हमें अनुदान भी मिला जैविक केंचुए के वो कुंडी वगैरह बनाने के लिए। तो उनसे प्रेरित होकर के फिर मैंने बोला कि अपन केंचुआ खाद बना रहे, सब कुछ बना रहे, हर चीज़ की दवाई अपन मतलब इन पास खेतों में खड़ी जड़ी बूटियों पेड़ पौधों से बना सकते हैं, तो क्यों फिर अंधे इस बाज़ार के पीछे भागें और क्यों रसायन का इस्तेमाल करें। हमारा स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब हम कम से कम खाने में जो अपन चीज़ यूज करते हैं वो चीज़ पूरी तरह से पेस्टिसाइड मुक्त हो, रसायन मुक्त हो और मतलब बिल्कुल जैविक तरीके से हो, तो स्वास्थ्य वैसे ही अपना ठीक रहेगा। पुराने ज़माने में जो लोग खेती करते थे उस समय DAP, यूरिया, रसायन वगैरह कुछ नहीं था, तो वो 100-125 साल तक बिना बीमारी के ज़िंदा रहते थे। और आज RO का पानी पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं, टेबलेट खा खा कर मर रहे हैं। उससे तो अच्छा है कि अपन मतलब शुद्ध खाएं और स्वस्थ रहें, यही माना से मेरा। तो आपने जैसे जैविक खेती की शुरुआत करी, तो जैविक में आप कौन कौन सी फसलें अभी ले चुके हो? जैविक में मैं मक्का ले चुका हूँ, गेहूँ ले चुका हूँ और ये सब्जी वगैरह में तो मैं कोई रसायन इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। अभी ये जो आप फसल देख रहे हैं इधर है, ये मिर्ची लग रही, टमाटर लग रहे हैं, वो बैंगन लग रहे हैं, इनमें 50 ग्राम भी यूरिया नहीं है और किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं है। 1% भी कोई भी वैज्ञानिक इसमें रसायन साबित कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरी तरह से ये रसायन मुक्त है। अब बाज़ार में कोई ले नहीं ले, मंडी में क्या भाव बिके नहीं बिके, ये बात की बात है, लेकिन जो पैदा कर रहे हैं वो तो पूरा रसायन मुक्त है। तो सर, जैसा कि हम देखते हैं हमारे जो आम किसान हैं वो ये सोचते हैं कि हम बिना यूरिया DAP डाले तो हम खेती कर ही नहीं सकते, अपना उत्पादन नहीं ले सकते, तो क्या ये चीज़ कितना सही है और कितना गलत है कि हम बिना खाद और यूरिया के रासायनिक के भी हम खेती कर सकते हैं? मैं बताऊँ ना आपको कि अगर कोई काश्तकार ये सोचता कि बिना यूरिया के, बिना DAP के, बिना रसायन के खेती नहीं कर सकता है, तो वो मेरे यहाँ पर आकर के देखे कि मैंने बिना रसायन के, बिना खाद के, बिना यूरिया DAP के किस तरह से ये फसल पैदा कर रखी है। यहाँ आके वो देख सकते हैं इसमें कि फसल होती कि नहीं होती है। आज जो ये पथरीली ज़मीन है, बिल्कुल हल्की ज़मीन है और इसमें मतलब
केंचुए मैंने खेत के अंदर छोड़ रखे हैं, जो खाद वगैरह है वो मल्चिंग के नीचे डाल रखा है। केंचुए अपने आप खाते रहते हैं, वर्मी वाश भी बनता है, केंचुए वर्मी कंपोस्ट भी बनता है इससे क्या। और दूसरी बात, नीम आग दतुरा का अर्क निकाल करके इनके जड़ों में दे देते हैं, दीमक का प्रयोग भी कम हो जाता है। और निमिटोड के लिए हजारी के पौधे लगा रखे हैं मैंने, उससे क्या है कि मतलब निमिटोड हजारी के पौधे से आता ही नहीं है, और आता तो भी अल्प मात्रा में। तो क्या ये लोगों की सोच है कि बिना यूरिया और बिना खाद के माल पैदा नहीं होता। अब खाद की ज़रूरत है इसमें, अपने को एक पौधे को आधा किलो खाद की ज़रूरत है। अब कास्ट कार्ड डालता है 50 ग्राम एक पौधे के लिए, तो पैदावार तो कम होगी होगी। अब उसमें आधा किलो की ज़रूरत है, आप एक किलो डालो ना, डबल प्रोडक्शन होगा उसका, डबल पैदावार होगी। ये अपनी अपनी सोच है, वो अगर ऐसा सोचते हैं तो वो गलत है। मैं नहीं मानता कि बिना यूरिया और DAP के अपन फसल पैदा नहीं कर सकते, मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरे वहाँ बिना खाद का एक पपीता पौधा है जो टूट गया, रोजड़े खा गए, उसके एक पौधे के दो बन गए। अभी आप चल करके देख सकते हैं कि उस पर पपीते का प्रोडक्शन कितना है, जिसमें एक दाना भी यूरिया DAP नहीं है उसमें। तो क्या ये अपनी अपनी सोच है, दिमागों की मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि बिना दवाई के बिना जहर के अगर कोई पैदा करना ही नहीं चाहे तो वो उनकी मर्जी, बाकी हम तो मतलब जैविक खेती कर रहे हैं और मतलब प्रोडक्शन भी हमारा अच्छा है। अभी देख लो आप इसमें क्या बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है, मोजेक भी नहीं है, कोई जड़ गलन भी नहीं है, इतना पानी बरसा फिर भी जड़ गली नहीं है। कुल मिलाकर के मतलब हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच बदलने के लिए मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे आप जैविक खेती के ऊपर मतलब ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप लोगों को इस मामले में जागरूक कर रहे हैं और लोगों की मानसिकता बदलने में आप पूरा सहयोग करें। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि कम से कम लोगों की मानसिकता बदले, उनके विचार बदले, और वापस अपन एक तरफ से जिस आधुनिक युग में आ गए हैं उस युग से वापस अपन उस जैविकता की ओर चलें, उस विविधता की ओर चलें, जो मतलब पुरानी पद्धति थी उसको नवाचार करके अपन अगर प्रोडक्शन लेंगे तो जो यूरिया और DAP से पैदावार हो रही है उससे भी अधिक पैदावार लेने की ताकत रखते हम। सर अभी आपने कौन कौन सी फसलें लगा रखी है? अभी मिर्च लगा रखी है मैंने, ये मिर्च मल्चिंग लगा करके, ड्रिप लगा करके और देसी खाद डाल करके मतलब लगा रखी है, और ये प्रोडक्शन आपके सामने है, पौधे की रूपरेखा आपके सामने है, फल कैसे लग रहे हैं, मिर्च कैसी लग रही है वो आपके सामने है। उधर वो मैंने टमाटर लगा रखे हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं है, उस पर भी मल्चिंग लगा रखी है, और नीचे मतलब अपने ये वर्मी कंपोस्ट है वो अपने आप ही बन रहा है, केंचुए मैंने खेत के अंदर छोड़ रखे हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर बैंगन लगा रखे हैं, बैंगन भी मैं हमारे कृषि अधिकारी है दुर्गालाल जी, उन्होंने बीज मुहैया करवाया था मेरे को, वही बीज मैंने लगवाया है। और लोगों की एक मानसिकता यह होती है कि सरकारी बीज पैदा नहीं होता। मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप एक महीने बाद में आकर के इन बैंगन का ये पैदावार देखें आप कि सरकारी बीज किस तरह से पैदावार देता है। मैं सरसों का बीज भी लगाता हूं, तो हर साल सरकार से जो मिनी किट वगैरह आते हैं वो लाता हूं और वही लगाता हूं, और उनका प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है। तो क्या लोगों की अलग अलग धारणा है, फसल तो ये देख लो आपके सामने है, जैसे पपीते के पौधे लगा रखे हैं मैंने, बेर के पौधे ला के लगा दिए, या अमरूद के पौधे ला के लगा दिए इधर, या खेत के चारों तरफ जो मेड़ होती है उस पर जरमरी घास वगैरह ये होती है, तो मैंने जरमरी और घास को साफ करके वो जमीन उपयोग में लेने हेतु मतलब चारों तरफ नींबू के पौधे लगा दिए। अभी 300 पौधे मैंने नींबू के लगा रखे हैं, तो नींबू के पौधे से भी प्रोडक्शन होगा। वहाँ पर होता तो क्या है, सिर्फ दो पुले या चार पुले या दो बारह घास निकल जाती, उससे ज़्यादा तो कुछ निकलता नहीं। तो कम से कम ये नींबू की पैदावार, उधर मैंने 60 पौधे लगा रखे हैं, एक सीजन के मैं 17,000-20,000 के मतलब नींबू बेच देता हूँ, बाकी तो वहाँ घास ही होती है, कुछ नहीं होता। तो मेहनत तो अपन को करनी पड़ती है, और मेहनत में विश्वास करने वाला आदमी कभी हार नहीं मान सकता। तो सर जैसे कि हमारे जो जैविक खेती करने वाले किसान हैं वो मार्केट के लिए थोड़ा रहते हैं कि कहाँ हमें मार्केट मिलेगा, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए जैविक खेती के मार्केट के बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, कहाँ माल सेलिंग करना है कहाँ नहीं करना है, लेकिन जो अनुभव है मेरा और जो विश्वास है उस विश्वास के आधार पर मैं ये खेती कर रहा हूँ।
अब मार्केट की बात तो बाद में रही कि जैविक खेती के ये जो पैदावार है वो खरीदने वाला कौन है, ये बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मानस मेरा वही है कि मेरा जो भी माल कोई भी ग्राहक खरीदे कम से कम उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और उसका परिवार स्वस्थ रहे, साथ में मेरा भी परिवार स्वस्थ रहे, मेरी मानसिकता यही है। बाद में बेचना करना ये सब बात की बात है। तो सर जैसे आप अपने फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप क्या करते हो? जी मेरी ज़मीन में खरपतवार इतनी होती है कि कम से कम 10 बार भी अगर निराई गुड़ाई करें तो खरपतवार कंट्रोल में नहीं होती है। इसके लिए मैंने हमारे कृषि अधिकारी जी है गोपालनाथ जी योगी प्रतापगढ़, उनसे संपर्क किया और उनसे इस समस्या के बारे में पूछा भी है। तो उन्होंने बोला कि यार मंगलाल जी आप ऐसा करिए कि ड्रिप लगा दीजिए और मल्चिंग कर दीजिए। तो फिर क्या है कि मैंने एक दो जगह पता भी किया तो कुछ लोगों ने वो ड्रिप और ये मल्चिंग की लागत थोड़ी ज़्यादा बताई। तो बागवान कंपनी से संपर्क किया फिर मैंने, जयपुर में मई जी करके नाम है उनसे, तो वो कॉन्टेक्ट फ़ोन पर बात करने के बाद में यहाँ पर आ गए। यहाँ आके सारी लोकेशन देखी फिर ये ड्रिप मैंने लगवा दी। ड्रिप लगाने के बाद में ये मल्चिंग कर दी तो इससे क्या, एक तो खपतवार नियंत्रण हो गई, दूसरी बात पथरीली ज़मीन है, ज़मीन हल्की है, तो इसके क्या कि ये मल्चिंग की वजह से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। तो जैसे आज पिला दिया, 4 दिन अगर नहीं भी पिलाएं, 4 दिन तक कोई पानी नहीं दे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है कि एक इसके पौधे के पास में वो मतलब अपन पाँव रखते हैं, मिट्टी जमती नहीं है तो उसमें जड़ों को ऑक्सीजन मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उससे पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है। क्या और दूसरी बात है तो मतलब वातावरण शुद्ध रहता है और कीटाणु वगैरह जो ज़मीन के हैं, तो क्या क्या जैसे अपन कोई भी देसी दवाई आग धतूरा वगैरह का ये बना करके ड्रिप में इसके माध्यम से दे देते हैं अपन, इसमें से ये इससे सारी सप्लाई हो जाती दवाई की और दवाई भी देसी देते हैं, तो उससे क्या होता है मतलब कि जड़ों में जो रोग वगैरह आता है वो नहीं आता है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने हमारे कृषि अधिकारियों को, सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उनको फ़ोन भी करें तो वो फ़ोन पर अपनी मतलब हमारी सारी समस्याएं सुनते और उसका समाधान भी मतलब फ़ोन पर कर देते वो क्या। और अगर रिक्वेस्ट करें नहीं आपको आना ही पड़ेगा यह फसल देखने के लिए, तो भले प्रतापगढ़ से गोपालनाथ जी योगी है, दुर्गालाल जी है, राधेश्याम जी है, कोई भी है संपर्क करें, व्यास जी है, तो वो क्या मतलब फोन संपर्क करने पर 1-2 दिन का टाइम देके टाइम निकाल के आके देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा धन्यवाद तो कृषि अधिकारियों का है और कृषि अधिकारियों की प्रेरणा से ही मैं ये जैविक खेती कर रहा हूँ। मैं अपनी प्रेरणा तो है ही है लेकिन पूरा सहयोग कृषि अधिकारियों का है मेरे साथ में। जैसे सर आपने बताया आप कीटनाशक बनाते हो जमीन में डालने के लिए, तो उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग करते हो उसके बारे में? मैंने कीटनाशक बना रखा है, अभी ये देखिए आप, ये कैन पड़ी हुई है और ये इसमें गोबर भी है, गोमूत्र भी है, आंख है, धतूरा है, नींबू है, अदरक प्याज है, और इन सब चीज़ों को मिला करके ये ढक्कन लगा दिया। ये 1-2 महीने में सड़ के मतलब बिल्कुल ये हो जाएगा। उसके बाद में एक टंकी में स्प्रे करने के लिए एक टंकी में सिर्फ 2 लोटा पानी डालते हैं, 1 लीटर ये मतलब जो दवाई बनी हुई है एक टंकी में 1 लीटर डाल देते हैं और स्प्रे कर देते हैं। किसी रसायन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो, लट हो, कुछ भी हो। और सफ़ेद मक्खी मोजेक रोग आ रहा है और सफ़ेद मक्खी की वजह से आ रहा है, तो लहसुन और अदरक का पेस्ट बना करके उसमें जरा सी हींग डाल दो, उनको मतलब आप मशीन से स्प्रे कर दीजिए। आप गारंटी लेता हूँ इस बात की 15 दिन तक आपके फसल के ऊपर सफ़ेद मच्छर आके नहीं बैठेगा उस अर्क से। 10-15 दिन बाद में फिर एक बार और स्प्रे कर दीजिए। सबसे सस्ता और सुलभ उपाय है, कोई रसायन नहीं और कोई इन चीज़ों का साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ प्राकृतिक के साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। अब जैसे यहाँ हमारी ज़मीन में दीमक का प्रकोप ज़्यादा है, तो क्या जड़ों को दीमक अंदर से खा जाती है, तो उससे सबसे बेस्ट उपाय अब मैं करने वाला हूँ। पहले गए साल किया था मैंने, एक मटके में मक्की के जो डूंडे होते हैं उनको भर के मटके के नीचे छेद करके फिर उसको आधा ज़मीन के अंदर गाड़ दूंगा मैं। खेत की जितनी भी दीमक है सब उस मटके में आ जाएगी। फिर 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में उस मटके को ले जा करके जहाँ हमको नष्ट करना है, चाहे तो पानी में डाल दें या कोई केरोसिन वगैरह डाल दें या कोई रसायन वगैरह उसमें डाल दें, तो वो दीमक अपने आप नष्ट हो जाएगी, खेत में दीमक रहेगी भी नहीं। और मैं इसमें कोई भी मतलब रसायन इस ड्रिप के माध्यम से नहीं देता हूँ, क्योंकि केंचुए मैंने खेत के अंदर छोड़ रखे हैं। वर्मी कंपोस्ट वो केंचुए खेत के अंदर ही बनाते हैं,
जड़ों के नीचे जाते हैं, ऑक्सीजन मिलती जड़ों को, खा के जो वापस उगलते हैं वो मतलब ये करते हैं, तो उससे मतलब अपने वर्मी कंपोस्ट तो बन ही रहा है, इसलिए किसी रसायन की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये देसी टोटके ही करता हूँ सब। बाकी तो बड़े के जो बड़े बड़े काश्तकार हैं 100 बीघा 500 बीघा वाले, क्या वो तो खाते भी वैसे ही दवाई वाला ही है और कमाते ही दवाई वाला, और पैसे भी दवाई वालों की बांटते हैं वो। तो मेरी मानसिकता कुछ अलग है। हमारे जो किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उन काश्तकारों से ये कहना चाहूँगा, किसी प्रकार का संशय अपने मन में नहीं रखे कि हम जैविक खेती करेंगे या देसी खाद डालेंगे तो उससे पैदावार नहीं होगी। इस प्रकार की शंका तो अपने मन में रखे ही नहीं, क्योंकि मैं 100% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं, बिना रसायन के खेती कर रहे हैं, तो जो रसायन वाले खेती कर रहे हैं, यूरिया डीएपी वाले खेती कर रहे हैं, हाँ हो सकता है खेत को जमने में 1 साल 2 साल लग जाए, लेकिन उसके बाद में जो पैदावार होगी वो उन खेतों से ज़्यादा होगी जहाँ यूरिया और डीएपी है, और जहाँ पर अपन जैविक खेती कर रहे हैं जैविक खेती वाला माल ज़्यादा होगा, क्वालिटी भी बेहतर रहेगी, क्वालिटी बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर रहेगा और उसका स्वाद बहुत बढ़िया रहेगा। अब आप, मैं बताऊँ आपको, आज पपीते आ रहे हैं ताइवान, मतलब दूसरी विदेशी वेराइटी आ रही है, उस पपीते को खाइए आप और एक देसी पपीता खाइए, रात दिन का फर्क है उसमें। दूसरी बात, अपन जो पपेन होता है पपीते के अंदर, वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन विदेशी तो वो उस हिसाब से होगा, लेकिन देसी पपीते का पपेन जो है, क्या आप पपीते के पत्ते खा लीजिए, क्या पपेन खा लीजिए, हर चीज़ से स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर है। और जैविक खेती करिए आप, स्वास्थ्य सुधरेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा परिवार सुधरेगा, परिवार का स्वास्थ्य सुधरेगा, और परिवार स्वस्थ होगा तो गांव का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, और गांव का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो जिले का रहेगा, और जिले का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो पूरे देश का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। इसलिए मैं तो सबके काश्तकारों को यही निवेदन करना चाहूँगा और सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर खेती करनी है तो जैविक तरीके से करिए। पूरा भारत अगर रसायन मुक्त हो, क्या तो कौन सी बीमारी ऐसी है जो आयुर्वेद में ठीक नहीं होती है? ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आयुर्वेद ठीक नहीं कर सकता। मेरे को शुगर है, शुगर 400 और गुण 50 थी मेरी, कितनी 500 गुण 50, सॉरी 500 गुण 50 थी शुगर मेरी। मनोजी मीणा डॉक्टर साहब है बड़ी सादरी, उनको बताया, उन्होंने टेबलेट दी, उसके बाद में मैंने वो टेबलेट 15 दिन खाई, 15 दिन के बाद में मैंने टेबलेट बंद कर दी। क्या लेता हूँ? नीम किलो, आग के पत्ते, पपीते के पत्ते, पीपल के पत्ते, एलोवेरा और गोमूत्र, ये चीज़ें यूज में लेता हूँ, एक भी टेबलेट नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इन चीज़ों में इतनी मतलब गुणवत्ता है, ये बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखते हैं, तो फिर क्यों भागे अपन दूसरे चीज़ों के पास में? ऐसा मेडिसिन क्यों ले अपन जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जिसके साइड इफेक्ट हैं? क्यों मेडिसिन अपन खुद बना सकते हैं? ये मेरे यहाँ पर कितने औषधि पौधे हैं, गुलर का पौधा है, नीम है, पीपल का लगा रखा है, नींबू के पौधे हैं, हर तरह से मतलब क्या है कि सब ऑर्गेनिक है। ये मक्का है, इसके जो बाल होते हैं वो शुगर में जोरदार काम देते हैं। क्या ये तो अपनी अपनी सोच है, मतलब लोग क्या है कि मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं, डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हैं, क्या तो क्या है कि सब कुछ अपनी अपनी सोच है। मैं अब नर्सरी तैयार करता हूँ तो प्रोट्रे में करता हूँ, बीज वेस्ट नहीं हो, प्रोडक्शन अच्छा हो, नर्सरी अच्छी तैयार हो, रोग मुक्त हो। क्या अब देखिए आप, ये गोभी तैयार कर रखी है मैंने, वो उधर गोभी है, ये पत्ता गोभी है, वो उधर फूल गोभी है, ये इधर गोभी है, क्या तो ये क्या है सब मतलब जैविक खेती को करने के जो तरीके हैं, अगर काश्तकार एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से सलाह मशवरा करें, न मैं तो ये पूछता हूँ कि सबसे सलाह मशवरा करने की ज़रूरत क्या है? कि अपने बाप दादा जो पुराने करते आए थे उसी को आप नए रूप में ले लो ना। पहले वर्मी कंपोस्ट नहीं बनता था, देसी खाद ले जाके गाड़ी से खाली कर देते, बैलगाड़ी से, आज वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, तो अपन जैसे 10 गाड़ी डाल रहे हैं वही खाद अपने एक गाड़ी में काम बन रहा है। क्या तो नवाचार से करो ना आप, क्यों पीछे भागते हो रसायनों के? ये सब अपना अपना सोच है, अपना विचार है, अपनी अपनी मानसिकता है। क्या और लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, आज नहीं बदलेंगे 10 साल बाद में, 5 साल बाद में, 20 साल बाद में, लोगों को पूरी तरह से अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और जो पुराने रिवाज रीति रिवाज है, खेती के तौर तरीके हैं, जो भी प्राचीन खेती की हमारे बाप दादाओं ने हमें बताई थी, उसी ओर फिर से लौटना पड़ेगा सबको।
तभी जाके हमारा देश समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, बुद्धिजीव होगा, बुद्धिमान होगा और स्वस्थ होगा। किसान भाई, आशा करता हूँ आपको हमारे आज के स्टूडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और मिलेंगे इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।